हरियाणा प्रदेश घोटालों का हब बनता जा रहा है। प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाले की गूंज अभी थमी नहीं थी कि फतेहाबाद में लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का मामला सामने आया है। मामले में उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री क्लर्क को चार्जशीट कर उसका तबादला कर दिया। वहीं नायब तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि उनके पास इस संबंध में शिकायत आई थी, जांच के बाद जो चीजें सामने आई हैं उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और मामले की अभी जांच चल रही है। जिला राजस्व अधिकारी मामले में जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस होटल की रजिस्ट्री से जुड़ा ये मामला है वो फतेहाबाद का मशहूर होटल है और सिरसा रतिया रोड पर बना हुआ है। फतेहाबाद से न्यूज वन हरियाणा के लिए सतीश खटक की रिपोर्ट। एक फतेहाबाद तहसील का रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ स्टैम्प्स की चोरी हुई है। जब उसको चेक किया गया डॉक्यूमेंट को, तो पता लगा कि हाँ उसमें गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ में रजिस्ट्री क्लर्क है, उसको तो यहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया, चार्जशीट कर दिया है। और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार जिसने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सरकार को लिख दिया गया है। इसकी वैल्यूएशन के लिए कलेक्टर जो DRO है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर है, उनकी अदालत में उसको भिजवा दिया गया है। वो वैल्यूएशन बतौर कलेक्टर सेक्शन 47A3 है स्टैम्प एक्ट की, उसके तहत वो उसकी वैल्यूएशन करेंगे। सर, ये जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसमें जो नायब तहसीलदार हैं, क्या उनके के लिए भी आपने कोई इंश्योरेंस की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की, या सिर्फ रजिस्ट्री क्लर्क की इसमें आपको अभी तक? नहीं, जो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार है वो उनकी जो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जो की जानी है वो सरकार के स्तर पर ही होती है और उसकी अनुशंसा हम करके भेजते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से उनकी अनुशंसा करके उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सरकार को केस भेज दिया है।